भाई मैंने एक छोटू सी रील शूट करी छोटे से रिंग लाइट के साथ। यार मैं क्या पतली हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, समझ नहीं आ रहा। ये मेरे को बालू के बर्थडे पे जाना है, उसका बर्थडे है। ये ड्रेस पहननी थी बट बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है, तो मेरा मन नहीं कर रहा अभी पहनने का, कल देखेंगे। तो मैंने नॉर्मल जीन्स टॉप पहन लिया, बट वो गुस्सा करेगी, वो बोलेगी क्या तुझे मेरे बर्थडे में इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ भी पहन के आ गई। मैं मेरे को लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, मजाक कर रही हूँ। बाय गाइस, इन केस आपको टॉप पसंद आ रहा है, जितनी लड़कियाँ देख रही हैं, जितने लड़के देख रहे हैं उनको अपनी फ्रेंड के लिए, सिस्टर के लिए पसंद आ रहा है, तो आप ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ले लेना वहाँ से। अब मैं जा रही हूँ, बाय। ये क्या आदत हो गई मुझे, क्या है ये, क्या है, बाय। मैं सीट पीछे करके आगे करके बैठती हूँ, मेरे मुंह से निकल रहा है, भाई 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 कहाँ बैठती है, स्टीयरिंग पे मेरे पैर तो चले गए। और सुन तो सही, इसके बाद ही ऊंचा कुछ अक्कल देख रही थी बाहर। अरे ऐसे गेम में नहीं होता वो, अरे रिवर्स पीछे का पर्स को मालूम नहीं है, रिवर्स करना। बाय। मैंने स्टैंड लिया था, लगाया गलत जगह लगाया, वैसे मेरा ना एंगल ही है, बट यहाँ पे फिर पूरा ही जगह ले लेता, तो फिर सार्थक निकल यहाँ पे लगा दिया, बट मैं हटाऊंगी इसको, यूजलेस लग रहा है। एक मुझे एसी के वेंट में लगाने वाला मिल रहा था, बट वो मुझे लगा कि नहीं सही रहेगा, तो मैंने ये ले लिया। कोई और किसी को पता हो तो बताना यार मेरे को, फिलहाल अभी चलते हैं। आ गई हूँ, अर्श का वेट कर रही हूँ, एज यूजुअल लेट है। उस बंदी को एक घंटे का पहले का टाइम दिया हमने, तब भी लेट है, हमेशा लेट। भाई मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद लेट आने वाले लोग, मैं भी आलसी हूँ बट मैं टाइम पे उठ जाती हूँ जब मुझे पता था कहीं जाना है। तो मैं पता है, मैं अर्श, पारुल, टीना आज भी नहीं आ पा रही है, बट हम चारों ऐसे बहुत पहले से साथ में बर्थडेज मना रहे हैं अपने। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बहुत टाइम हो गया यार मनाते मनाते, टच वुड, ऐसे हर बर्थडे साथ में मनाए हम। बट पहले बहुत एक्साइटमेंट हुआ करती थी, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पहले से ढूंढ के रखते थे जब हम कॉलेज में थे स्टार्टिंग में। स्कूल में तो हम इतना घूम नहीं सकते थे यार, स्कूल में बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, कॉलेज भी बंक ही करते थे हम, पापा सॉरी, पर करना पड़ता है। वो बंदा उसको सहरा पहना रहा है, क्यूटी, उसका चेहरा कोई चुरा के भी ला सकता है। सर क्यों ढक रहा है भाई, मैं वेट कर रही हूँ, क्या ही करूँगा, कुछ नहीं खाया मैंने, कुछ नहीं खाया सुबह से, कि वहाँ पे जाके खाऊंगी। आई है, झूठ बोलती है यार, झूठ बोल रही है कि मैं रास्ते पे हूँ, मुझे लगा तू यहाँ आएगी, बहाने बना लो, वेट ही कर रही हूँ। कैमरा वहाँ लगा के बात करती रहूँ, इतनी बात क्यों करूँ भाई, क्यों करूँ, एनर्जी नहीं है, मैं खा लूँ एक बार उसके बाद। लैपटॉप लेकर आई है क्या? हाय, लैपटॉप लेकर आई हूँ। क्यों? टी नहीं लिया मैंने पारुल के बर्थडे। तो तू काम करेगी? हाँ और क्या, खाऊंगी बस, खाने मैंने कुछ नहीं खाया पता है भाई, लैपटॉप में काम कर रही है, एक छुट्टी नहीं ले सकती अपनी दोस्त के लिए। क्या? हाँ वो मैंने इसलिए पहने पिंक, मुझे मालूम था। कितना गंदा है पर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय। तू निकल, कितना गंदा है पापा, किस दिन पैर छू जाता है, किस दिन चल निकल बोल के जा रहा है, मेरे को लॉक हो गया, अब हो नहीं रहा। क्या चाहता है कि तुम्हारा हाथ मेरा है। हेयर कट लिया है, हेयर कट लिया है, हेयर कट लिया है, हेयर कट, अच्छा इतना गंदा है पर, मुझे बोल नहीं नहीं अच्छा काटा है, काटते तो अच्छा ही है, अच्छा काटा है सार्थक भाई, मेहनती है हमारे। इतनी रिंग लाइट से कोई एक पैसे का फर्क नहीं पड़ा मेरे हिसाब से, हमारे पास बड़ी रिंग लाइट भी है,
कि वो कैमरा नहीं है जिसे जानवर शूट करते हैं बाहर जाके, वो जो अच्छा अभी भी जानवर ठीक है भाई, जल्दी का टाइम नहीं है पास इतना। साल तक भाई की होने वाली बीवी, वो कपड़े भी फोल्ड कर लेते हैं फोटो भी खींच लेते हैं, और क्या चाहिए भाई। खाना आप बना लेना जो भी आएंगे, बाकी सब हो जाता है। बर्तन कितना गंदा है, तू तो कितना गंदा है साल तक। तेरे को वो लेबल दे देंगे अब, क्या बोलते हैं उसको, लेबल नहीं आता रहा मुझे यार। सार्थक भाई फोटो खींचेंगे, अब खाना और बर्तन धो दीजिएगा। छी भाई, कपड़े धोलेगा वॉशिंग मशीन में? ठीक चल कर चलो, डरा नहीं है वैसे। मैंने उसको अभी तक अपनी स्कूटी अपनी कार पे देखा नहीं है। गाइस अभी हम जा रहे हैं पर्व का कुर्ता लेने, बट मेरे पीछे पीछे दो लोग छोड़े हैं उन्होंने पर्व ने। स्टार्ट करें भाई, डर क्यों रहा है? मैं I am a good driver. I drive people crazy. चल अब मैप लगा लो, मुझे नहीं मालूम लोकेशन। जाना है अपने को मान्यवर, अपने आप को कह रही हूँ। अपने को जाना है मान्यवर, पता नहीं कोई तो। अबे जो तुम्हारा कॉलेज है ना वहीं आसपास। कॉलेज नहीं गया तू भी? कॉलेज नहीं गए, मैंने जाके भी क्या उखाड़ लिया। तू गया कॉलेज? क्या कितनी पढ़ाई की तूने? मैंने बहुत सारी। कितनी? फिर भी कुछ तो आई। ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा, और फिर काम किया। मैंने इंपॉर्टेंट वर्क किया। रोहिणी ईस्ट पे है। रोहिणी ईस्ट होगा, मालूम नहीं हमें जहाँ जाना है उसका लोकेशन ही नहीं मिल रहा। सारे समझदार आदमी भेज दिए। मिल गया, चले जाम कहाँ दिखा रहा? आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो ट्रक है हमारे। बात तो सही है। तो फिर कैसे दिखा रहा आज? मैप की वजह से मेरे को सुबह इतनी दिक्कत हुई है ना कि बस मैं ही जानती हूँ। वो तो शुक्र है वो मेरा एरिया था, मेरा एरिया मतलब मेरा घर था। टोक्यो टोक्यो सॉरी ठीक है, मर्डर गया। इट्स ओके, बोल सॉरी, डर मर्डर में बोल। क्या कह रहा है? मुझे लग रहा है ये ना गलत लोकेशन नहीं दिखा रहा वो। जब हम वापस से अपनी गाड़ी को, मैं बताती हूँ आपको, जब अपनी गाड़ी को बैक कर लेंगे ना तो मुझे दिखाएगा। बैक करो शिकायत है कि मैंने इनकी मीटअप वाली फोटो रिपोस्ट नहीं करी थी, तो मैं आज कर दूंगी। थैंक यू। शिकायत उस दिन ना बहुत फोटोज हो गई थी तो कुछ स्किप हो गई हैं, ऑल्दो मैं ट्राई करती हूं सब रिपोस्ट। थैंक यू। ओके, नाम क्या है? आयुष। ओके थैंक यू, इट्स ओके, आप शेयर कर देना। मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू। ओके, मेरी आईज से लग रहा होगा मैं कितना थक गई हूं, बट कोई नहीं, पर गया हुआ फाइनल्स के लिए, 3 दिन का है ऐसा उसने मुझे बताया। बाकी हमारा ना वृंदावन का एक प्लान था वेंसडे जाने का, हमने सोचा था वेंसडे नहीं ट्यूजडे शायद, हाँ ट्यूजडे जाने का सोचा था, बट पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो फिर हमारा वो कैंसिल तो नहीं बोलेंगे, पोस्टपोन हो गया। तो हम सोच रहे हैं हम नेक्स्ट वीक में कब जा सकते हैं। मेरा बहुत मन कर रहा, मैं कभी नहीं गई। हरिद्वार गए हैं बट उसमें तो उस टाइम पे फ्लड वगैरह का सीन था, अभी का नहीं मालूम, बट वृंदावन में कभी भी नहीं गई। तो बहुत मन है बट देखते हैं कब जाते हैं। बाकी इस व्लॉग पे एंड करते हैं। रक्षाबंधन का एक छोटा सा शूट था वो किया मैंने। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि सूट पहनने को मिलता है, मतलब तुम वैसे ही पहन सकते हो, बट उस दिन थोड़ा अच्छा फील होता है और ऐसे भी मिलते हैं। बाकी इस व्लॉग पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट्स। बाय।